भिलाईगढ़ में सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल जारी है। सचिव और रोजगार सहायक अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों संगठनों ने घंटी बजाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं मितानिन संघ ने सचिव की मांग को जायज ठहराया। वहीं नियमित करने की मांग को लेकर सचिव और रोजगार सहायक 15 दिन से हड़ताल जारी रहे। जैसे जैसे हड़ताल का दिन बीतता जा रहा है, सचिवों का आक्रोश शासन के प्रति भड़कता जा रहा है। शासन इतने दिन हड़ताल चला, लेकिन शासन का आज तक कोई भी सकारात्मक संदेश हमारे सचिवों के प्रति नहीं आ रहा है। इससे हमें साफ पता चलती है कि शासन का विचार हमारे प्रति नहीं है। उन्हें सचेत दिलाने के लिए हमारे प्रति हमें और कठोर से कठोर आंदोलन करना है। आज से कल हमने आम जनता से भी इकट्ठा चंदा करके हमने शासन के कोष में धन जमा किया है। शासन को हमारे हमें देने के लिए पैसा नहीं है, तो हमने उसका धन समर्पित किया है उनको। भगवान से हमने हुमन यज्ञ भी किया, शासन को सद्बुद्धि मिले और हमारी मांगे जल्द से जल्द वो पूरी करे। यदि यही इसी प्रकार की रवैया रही, हम अधिक और उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन के दूसरे चरण में हवन पूजन करके भगवान को मना करके हमें मतलब मुख्यमंत्री को संदेश पहुंचाना था, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करना था। तीसरे चरण में हमने नगर में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के माध्यम से नगर में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा और रोजगार सहायक संघों द्वारा भीख मांग करके मुख्यमंत्री के कोष में राशि जमा किए। आज का जो चरण है, थाली बजा के, टीपा बजा के और घंटी बजा के हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है, जो कि आज हमने हल्ला बोल कार्यक्रम किया है। मैं आज इसलिए आई हूँ, बहुत दिनों से सचिव एवं रोजगार सहायक मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए। जो घोषित किए हैं, घोषणा किए हैं विमुद्रीकरण करूँगा करके, आज तक नहीं किए हैं। इसलिए इन लोग का मांगे जो जायज है, इन लोग का शासकीय कर्मचारी घोषित करना चाहिए। जो सुविधा मिलते हैं शिक्षा कर्मी को, वो सुविधा मिलने चाहिए। मैं इन लोग के मांगों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन संघ